लेना है। ड्राइंग कर रहे हैं बच्चे लोग, ड्राइंग कर रहे हैं। काली चाय बन चुकी है, अब हम दूध वाली चाय बनाएंगे। बाल छोटे हो गए, दिक्कत होती थी कंघी करने में बच्चों को, छोटे बाल में परेशानी नहीं होती, नहाते हैं तो सुखाने में दिक्कत, और बारिश में बाल सूखते भी नहीं। उनके चाचा जी चिल्लाएंगे छोटे बाल। तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ हमने बार्बर को बुलाया था और बच्चों के और हमारे हस्बैंड के दोनों तीनों के बाल कट करवाए आज, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बच्चों के भी बाल बहुत बड़े हो चुके थे और इन्होंने भी बाल कट नहीं करवाया था, क्योंकि उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि इन्फेक्शन का डर था, तो इसलिए अवॉइड कर रहे थे, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे हम लोग। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी बाल बड़े ही रहने दो, कट नहीं करवाते हैं, बच्चे भी तो घर में ही रहना है, बच्चों को बाहर जाना नहीं है, और इनने भी कहा कि हमें भी तो घर ही में रहना है, तो इसलिए बाल बढ़ते गए इनके, और तीनों इतने बाल बड़े हो गए थे कि बच्चे रोते थे जब उनकी कंघी करते थे हम, तो दिक्कत होती थी, और स्पेशली शौर्य को, क्योंकि शौर्य के बाल कर लिए हैं और उसमें कंघी फंसती थी तो वो रोता भी था, वो तो इसलिए बुरा भी लगता था। तो हम लोगों ने सोचा, जैसा कि हमारे शहर में कोरोना की जो स्थिति है वो काफ़ी नॉर्मल हो चुकी है और सब निकलने लगे हैं बाहर और धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हो चुकी है, तो क्यों ना अभी बुलवा के बार्बर को घर में ही, जितने भी उसने लाए थे कट करने के लिए कैंची, सब सैनिटाइज किया और उसके बाद ही हम लोगों ने यूज़ किया, और जो कपड़े बच्चे उड़ कर बैठे हैं अपने घर के ही हैं। उसके बाद हम आ गए किचन में फ्रेंड्स, और किचन में आकर हमने सब्जी की तैयारी शुरू कर दी, और आज हमारे यहाँ बन रही थी अरबी की सब्जी, तो अरबी की सब्जी को हमने आज आलू जैसे अपन फ्राई करते हैं उसी तरह से हमने छील कर उसे बारीक बारीक कट कर लिया है, और इसे काटने से पहले हाथ में तेल ज़रूर लगा लें, क्योंकि इससे इचिंग होती है, क्योंकि ये जो जितने भी ज़मीन के अंदर के जो होते हैं इस तरह के कंद वाली चीज़ें, तो उसमें इचिंग होती ही है, तो उसको तेल लगा कर से कट कर लिया छील कर, और आलू की तरह ही कट किया, और उसके बाद इसे बारीक बारीक काट लेना है, और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दें, तो छोटा सा वीडियो बनाया, ज़्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं बनाया हमने, तो ये कट करते हुए ही हमने बोला कि चलो थोड़ा सा आज बहुत दिन से कुछ नहीं डाला है तो सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बारीक कट कर लिया था, और कढ़ाई में हमने तेल डाला, और तेल के साथ फिर जीरा और राई, मेथी दाना, लहसुन ये सब डाल दिया, लहसुन कच्चा न लगे करके पहले ही डालना पड़ता है, इसलिए लहसुन को हमने पहले ही डाल दिया था, और हल्के हल्के धीमी आंच पे पकने देते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि मेथी और जीरा ज़्यादा जल ना पाए, तो जले जले अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए हल्की आंच पे ही बनाना था, तो धीमी आंच पे हम ये सेक रहे थे, और साथ में ही प्याज और मिर्च भी ऐड कर दिया बारीक बारीक काट कर।
और इनको भी हल्के होने गुलाबी होने तक भुनना था, तो इनको भी धीमी आंच पे पकने दिया। और जब हल्के ब्राउन होने लगे, आपको ये समझ में आ जाए देख कर कि हल्के गुलाबी ब्राउन कलर के हो गए हैं प्याज, तो फिर इसमें हमने अरबी ऐड कर दिया। और अरबी ऐड करने के बाद आप उसे धीमी आंच पे पकाएं, तो वो भी जल ना जाए, इसलिए जितना हो सके आप धीमी आंच का ही उसके यानी सब्जी बनाते समय, तो सब्जी भाप से जो पकती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तेज फ्लेम में बनाओ तो सब्जी में वो जो पौष्टिक तत्व होते हैं नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि धीमी आंच पे ही पकाएं। तो धीमी आंच पे ही हम बनाते हैं हमेशा, और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में, बहुत जल्दी बन जाती है सब्जी। और फिर हमने इसमें मसाला भी ऐड कर दिया था, सूखे मसाले, धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डाला था। बस अभी बन चुकी है सब्जी, और देखिए इतनी टेस्टी बनी थी सब्जी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।